पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। पटवारी ने सीएम पर आरोप लगाते हुए कहा कि 50-50 करोड़ में विधायकों की मंडी लगाते हैं शिवराज सिंह, जबकि प्रदेश कर्ज में डूबा है, लेकिन वे प्रदेश को बेचकर भी मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। कटनी में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने भाजपा पर जमकर प्रहार करते हुए कहा कि कटनी नगर निगम और प्रदेश भाजपा सरकार 50-50% कमीशन से चल रही है। भाजपा ने कटनी को हमेशा उपेक्षित रखा, एक मंत्री भी नहीं बनाया। भाजपा सरकार लाडली बहना योजना के एक एक कार्यक्रम आयोजन पर 8 करोड़ खर्च कर रही है। पूर्व मंत्री एवं विधायक जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर 4 लाख करोड़ का कर्ज है, प्रदेश के हर नागरिक पर 53,000 का कर्ज है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों से अत्याचार और बलात्कार के मामले में मध्य प्रदेश देश में सबसे पहले पायदान पर है। कटनी एक ऐसा जिला है जिसको भारतीय जनता पार्टी हमेशा काटती है। 20 साल से सरकार है यहाँ भारतीय जनता पार्टी की। ऐसा एक भी विकास का काम जिसको हम मील का पत्थर कहें कटनी में विकास के लिए, अभी 3 विधायक हैं, एक भी कभी मंत्री नहीं बनाया गया। सांसद है वीडी शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष है, प्रमुख नेता है, अंतिम समय उनकी लोकसभा का चल रहा है, एक भी उल्लेखनीय कार्य उनके खाते में नहीं जाता है। आदरणीय महापौर जो निर्दलीय जीती थी वो भी भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुई। जब वो सम्मिलित हुई तो क्या कटनी को मिला भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, ये भी कटनी की जनता को नहीं दिखता है। 50% कमीशन की नगर निगम चल रही है, 50% कमीशन का भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, 50% की कमीशन का तंत्र चल रहा है। और ये तथ्यों से है, तर्कों से है, ये कागजों से, आंकड़ों से। आप देखो कि शिवराज जी एक योजना लेके आ रहे हैं, उन्होंने, आप लोगों को ध्यान है नहीं है मुझे नहीं पता, पर कुछ दिन पहले विधायक दल की मीटिंग में एक वाक्या अखबारों में सुर्खियों में भोपाल के आया था कि तुम लोग अपने अपने विधानसभा पे ध्यान दो, विधायकों को कहा गया था। मेरी तर्कश में कई तीर है जो चुनाव तक मैं छोड़ूंगा, उनकी तर्कश में एक तीर है जिस योजना को थोड़े दिन में वो लॉन्च करने वाले हैं। वो योजना है लुटाओ जिताओ योजना, लुटाओ जिताओ योजना। 4 लाख करोड़ का कर्जा है, 28,000 करोड़ रुपया ब्याज और देनदारियां हर साल होती है। शिवराज जी के शासन काल में रिजर्व बैंक का पैसा न दे पाने के कारण बंबई की एक जमीन मध्य प्रदेश शासन की 10,000 करोड़ की 3,000 करोड़ में जब्ती हो गई। जब्ती पहली सरकार है मेरी जिसने अपनी जमीन जब्ती करवा ली। लोग विधानसभा के प्रश्न के उत्तर के आधार पर ये आप सबके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। पर शिवराज जी लुटाओ जिताओ योजना की ओर तत्पर है। 20 साल में उनको कभी बहनों की याद नहीं आई, 20 साल में उनको कभी कर्मचारियों की याद नहीं आई, 20 साल में कभी उनको रोजगार को लेके भाषण के अलावा कोई एक कदम भी उन्होंने आगे नहीं उठाया। और अब रोज 50-27 कार्यक्रम उन्होंने अभी किए हैं लाडली बहना योजना के। एक कार्यक्रम में 8 करोड़ रुपया खर्च होता है बहनों को लाने का, बहनों को ले जाने का, बहनों को खाना खिलाने का, ट्रांसपोर्टेशन का, टेंट का, माइक का, जिस माइक से वो आज तक कभी इससे पहले राजनीतिक लोगों के मंच ऐसे बनते हुए देखे आपने, जैसे कोई शो करना है, मंच बनेगा, मंच के आगे रैंप बनेगा, रैंप के साइड में 2 रैंप और बनेंगे, और जिसपे शिवराज जी माइक से लेके दौड़ेंगे, उस माइक का खर्चा क्या समझते हैं कटनी के वासियों, प्रदेश के वासियों? उस माइक का खर्चा है 1 टेंट का 2 करोड़, खाने का खर्चा है 1 करोड़, ले जाने लाने का खर्चा है 2 करोड़, और अन्य खर्चे विज्ञापन के, पोस्टर के और 3 करोड़ रुपया। 8 करोड़ रुपए का लगभग एक आयोजन करते हैं। ये योजना में वही योजना का एक भाव है, कौन सा? लुटाओ जिताओ योजना। मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश का वो परिवार का साथी जो भविष्य में प्रदेश को संभालेगा, संवारेगा, राजनीतिक रूप से नहीं, प्रशासनिक रूप से, एक नागरिक होने के नाते इसमें अपना योगदान देगा। उस पर कर्ज बढ़ता जा रहा है, जितने लोग आए यहाँ उपस्थित हैं, आप पे 53-53 हजार करोड़ 1,000 रुपए का खर्चा है,
आपके बच्चों पे है, आपके यहाँ कोई नया ये साथी इसने शादी की होगी और नया बच्चा होने वाला है या करेगा तब होगा, उस पर भी 53,000 रुपए का कर्जा होगा। जो बुजुर्ग आज मर रहा उस पर भी होगा। ये ऐसा प्रदेश जो कंगाल प्रदेश है, बदहाल प्रदेश है, जिसमें सिर्फ झूठी घोषणाओं का एक अंबार है और 50% का कमीशन की सरकार है शिवराज जी ने प्रदेश को दिया है। साथियों, विधानसभा भी टोटल 1.5 और 3.5 घंटे चले, 3 घंटे विधानसभा चली, लोकतंत्र बचेगा कैसे, बातें कैसे होगी, आपकी बातें कैसे होगी। शिवराज जी इस साल पूरे में जब जब भी विधानसभा लगी, हर बार कभी भी पूरी वो विधानसभा जब से वो मुख्यमंत्री बने चलाते ही नहीं है, क्योंकि सवाल जवाब का सामना नहीं कर सकते। उनके भी विधायकों के जो सवाल होते हैं उनकी भी मौत हो जाती है। तो साथियों, ऐसा प्रदेश है जिसमें एक लूट की सरकार है, कमीशन की सरकार है, कर्जदार प्रदेश बनाने वाली सरकार है, बेरोजगार प्रदेश बनाने वाली सरकार है, किसानों पर जुल्म और अत्याचार में नंबर वन हमारी सरकार है। और सबसे बड़ी बात कि आप देखो कि आदिवासियों को लेकर किस तरीके के कृत्य पूरे प्रदेश में जग जाहिर है, जिसने पूरे प्रदेश का चेहरा शर्म से शर्मसार कर दिया है। आप कटनी की घटना देखो, आप सिवनी की घटना देखो, आप मंदसौर की पिपले मंडी की घटना देखो, आप अलग अलग जिलों में लगातार मॉब लिंचिंग की बात हो, इससे ज्यादा नरेंद्र मोदी जी ने शिवराज जी को कहा, उनके आंकड़ों ने कहा कि शिवराज आप ऐसी सरकार चला रहे हो जिसमें सबसे ज्यादा बेटियों के साथ बलात्कार होता है देश में। शिवराज जी आप ऐसी, नरेंद्र मोदी शिवराज जी को कह रहे हैं कि शिवराज आप ऐसी सरकार चला रहे हो जिसमें अपहरण आदिवासी बेटियों का सबसे ज्यादा होता है। नरेंद्र मोदी जी की NCERB के आंकड़े ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा अत्याचार और अनाचार हमारे प्रदेश के आदिवासी भाइयों पे होते हैं। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने इन दिनों लूटो कमाओ योजना चालू की है, प्रदेश कंगाल हो चुका है, लगता है प्रदेश को बेचकर भी मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 50-50 करोड़ में विधायकों की मंडी लगाते हैं शिवराज सिंह। और शिवराज जी मौन रहते हैं, झूठ बोलते हैं, इवेंट करते हैं, विज्ञापन देते हैं, बरगलाते हैं, लालच देते हैं और चुनाव जीत के फिर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, फिर भी कमी रह जाए तो विधायकों की खरीद फरोख्त करते हैं, मंडी लगाते हैं, उनकी बोली लगवाते हैं। पहले एक युग था, हम पढ़ते थे, लिखते थे, सुनते थे, ये गुलामों का युग था जिसमें इंसानों को गुलाम बनाया जाता था। उससे बदतर स्थिति, जो चुने हुए जनप्रतिनिधियों को खरीद के गुलाम बनाने का युग अगर कोई लाया तो वो शिवराज सिंह चौहान लेके आए। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।